नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र प्रदीप रैदास। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं वंदन करता हूं अपने इस वीडियो में और अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप रैदास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जी हां मित्रों, अब आज जो मैं बताने जा रहा हूं, आज जिनका जीवन परिचय में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ऐसी शख्सियत हैं जिनका परिचय देना बहुत मुश्किल काम है। जी हां साथियों, जिनके विषय में बताना बहुत मुश्किल है, उनके नाम के आगे बहुत सी बातें हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अलाउद्दीन के समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो जी के विषय में। अमीर खुसरो जी का आज मैं जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप रैदास यूट्यूब चैनल को और लाइक करें हमारे सभी वीडियो, शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक और साथ में सुने भी इस वीडियो को भी और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। गुरुजनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि हमसे कोई त्रुटियां होती हैं तो उन्हें आप सब गुरुजन हमें मार्गदर्शित करें ताकि हम हमारे कुछ सुधार कर सकें। तो आइए फिर चलते हैं अमीर खुसरो जी के जीवन परिचय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम मीर मोहम्मद सैफुद्दीन था। संगीत जगत में अमीर खुसरो का नाम भुलाया नहीं जा सकता। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अमीर खुसरो के पिता अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन बलवंत से पटियाला आकर बस गए थे। अमीर खुसरो प्रखर बुद्धि का व्यक्ति था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें बलवंत के राजा गयासुद्दीन बलवंत का राजाश्रय प्राप्त हो गया था। वहां उसे संगीत की साहित्य और संगीत की विशेष रुचि उत्पन्न हुई। कुछ दिनों में कुछ जगह पर नौकरी करने के बाद वे अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन संगीत का बड़ा प्रेमी था, उसने उन्हें राज्य गायक बना लिया। खुसरो शायरी किया करते थे और प्रतिदिन अलाउद्दीन खिलजी को नई नई गजल सुनाया करते थे। अलाउद्दीन के दरबार में कई और नए संगीतज्ञ थे जिनमें अमीर खुसरो को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कहा जाता है कि जब दक्षिण भारत के देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की तो वहां अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी गए थे। गोपाल नायक देवगिरी का राज्य गायक था। वहां उन दोनों में संगीत प्रतियोगिता हुई
और अमीर खुसरो ने गोपाल नायक को छल कपट से हरा दिया। अमीर खुसरो को गोपाल नायक की विद्वत्ता की अच्छी परख थी, अतः वो अपने साथ उन्हें दिल्ली ले आए और उनके संपर्क में रहकर अमीर खुसरो जी ने महत्वपूर्ण कार्य किए, जो इस प्रकार है। अब क्या क्या कार्य किए वो नीचे बताए जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरो ने तत्कालीन जन रुचि का अध्ययन किया और उनके अनुकूल नए नए वाद्यों की रचना की। आज के समय का लोकगीत छोटा ख्याल, लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल का जन्म देने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। कुछ विद्वानों के मत अनुसार उन्होंने छोटा ख्याल, तराना, कवाली का आविष्कार भी किया है। उनके तराने प्रायः एक ताल में होते थे तथा उनमें फारसी भाषा के शेर भी हुआ करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी वीणा में चार तार की जगह तीन तार लगाए और उसे सहतार की संज्ञा दी, जो आगे चलकर सितार नाम पड़ा है, क्योंकि फारसी भाषा में सहतार का अर्थ तीन तार होता है, अतः आगे चल के इसका नाम सितार पड़ गया। तबले के विषय में भी अमीर खुसरो को इसका रचयिता कहा गया। उन्होंने पखावज को दो भागों में विभाजित करके तबले का आविष्कार किया। उन्होंने कुछ नए राग और नए तालों की भी रचना की। रागों में पुरिया, साजगिरी, सरपर्दा, झीलफ और सहाना आदि रागों की रचना की और तालों में तीन ताल, झूमरा ताल, आड़ा चार ताल, पश्तू ताल, सुलफाक ताल आदि तालों की रचना का विशेष रूप से उल्लेख है। अमीर खुसरो कई भाषाओं के विद्वान थे। कहा जाता है कि वे 12 वर्ष की अवस्था में ही शेर लिखने लगे थे। उनके नाम पर बहुत सी छोटी छोटी पहेलियां बनाई जाती थी, जो शिक्षाप्रद होती थी, जो आज भी लगभग 700 वर्षों के बाद आज भी नई सी लगती है। अब देखिए पहेली एक बताई जा रही है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। इसका उत्तर होता है फुट। कहा जाता है कि फारसी भाषा और संगीत पर उन्होंने कुल 99 पुस्तकें लिखी, जिसमें से 22 पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। सन 1320 में उनके उस्ताद निजामुद्दीन अहलिया के निधन हो जाने से, देहांत हो जाने से उन्हें हार्दिक दुख हुआ। उस समय से वे संसार से विरक्त रहने लगे। उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप मालूम पड़ने लगा और सन 1326 में उनकी भी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके गुरु के पायताने यानी उनके गुरु के समीप बनाई गई, जहां आज भी उनकी याद में कव्वाल लोग उर्स मनाते हैं। तो मित्रों, ये था अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय। कैसा लगा आप सब हमें अवश्य बताएं और अपने सुझाव हमें
कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजें। और हमें क्या करना चाहिए इसके विषय में भी बताएं। तो अब फिर लेते हैं आपसे अनुमति, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो भी हम संगीत से संबंधित या अन्य वीडियो भी डालें तो आप सबको हमारे वीडियो की जानकारी पहले मिल सके, सबसे पहले। तो चलिए फिर अब लेते हैं आप सबसे अनुमति, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।